हाय, मैं राजेश कुमार एग्जाम स्टडी सेल्प में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक रहेगा नीतिशास्त्र। नीतिशास्त्र में चार मुख्य बिंदुओं पर फोकस किया जाएगा। पहला, नीतिशास्त्र क्या है। दूसरा, नैतिकता क्या है। तीसरा, नीतिशास्त्र और नैतिकता में क्या अंतर है। चौथा, प्रीवियस ईयर 2016 में एक नीतिशास्त्र में आया क्वेश्चन, जिसके बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरू करते हैं, नीतिशास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो आइए देखते हैं। तो नीतिशास्त्र की उत्पत्ति इथोस शब्द से हुई, इथोस वर्ड से, जो एक ग्रीक वर्ड है या यूनानी शब्द है, यूनानी शब्द है, जिसका अर्थ होता है परंपरा, आदत और चरित्र। यानी नीतिशास्त्र का वास्तव मीनिंग में देखें, जो वास्तव में बोला जाए, तो परंपरा, आदत और चरित्र के रूप में इसको देखा जा सकता है। इसे अगले स्तर पर चलते हैं, जहाँ पर परिभाषिक तौर पर देखा जाए, यानी परिभाषा के तौर पर इसको देखा जाए, तो नीतिशास्त्र को नैतिक सिद्धांतों की एक प्रणाली बोला जाता है, जिनके तत्वों के माध्यम से, नीतिशास्त्र के सिद्धांतों की प्रणाली, जिनके तत्वों के माध्यम से सही और गलत का पहचान किया जाता है, सही और गलत का पहचान किया जाता है। तत्व इसीलिए बोला गया क्योंकि नैतिक सिद्धांत बहुत सारे तत्वों से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक सिद्धांत है, एक प्रणाली है। तो हम सिद्धांत की अगर बात करें, तो सिद्धांत का अगर बात किया जाए, सिद्धांत तो इसका जो अर्थ होता है सार्वभौमिक नियम। और दूसरे के बारे में चर्चा करते हैं, प्रणाली शब्द को लिखा गया है। प्रणाली का अर्थ होता है तंत्र या सिस्टम। इसको सामान्य अर्थों में समझ सकते हैं एक ट्रैफिक सिग्नल के माध्यम से। ट्रैफिक सिग्नल को भी एक तंत्र बोला जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कनेक्टिविटी, बहुत सारे अवयव जुड़े होते हैं, बहुत सारे तत्व जुड़े होते हैं, जैसे रोड हो गया, सिग्नल हो गए, लोग हो गए, और भी बहुत सारे अन्य चीज़ हो गए, जो जुड़ के एक ट्रैफिक सिग्नल का निर्माण करता है। और यहाँ पर प्रणाली इसलिए बोला गया है क्योंकि नीतिशास्त्र में उसके क्रिएशन, उसके अप्लाइड, उसके अन्य क्षेत्र, उसका सारे क्षेत्रों को मिल के एक नीतिशास्त्र और नैतिक मुद्दे किसी व्यक्ति के स्तर पे या समाज के स्तर पे जुड़ पाते हैं, इसलिए इसको प्रणाली शब्द बोला गया है। अगले चरण में बात करते हैं कि नीतिशास्त्र का सार क्या। सार कहने का तात्पर्य है कि इससे आप क्या समझते हैं। तो नीतिशास्त्र वास्तविकता में न्याय को डिफाइंड करता है, न्याय को, कि सही और गलत। एक्चुअली में अगर सही और गलत को देखा जाए, तो सही इसलिए व्यक्ति करना चाहता है क्योंकि न्याय हो, जिस चीज़ को बारे में बात करता है। अगर सामाजिक स्तर पे देखा जाए, तो इसका कहने का मतलब है वहाँ पे शांति का विकास होगा, स्थिरता लाएगा समाज में, विकास, उन्नति, इस तरह के तत्वों का समायोजन होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि नीतिशास्त्र में क्या कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं। तो कुछ अन्य क्षेत्र हैं, जैसे हम बात किया जाए मेटा एथिक्स, दूसरा बात किया जाए नॉर्मेटिव इथिक्स, तीसरा बात किया जाए अप्लाइड इथिक्स। ये तीन पार्ट अगर देख सकते हैं, ये तीन पार्ट है। अगर शुरुआती में हम बात करें मेटा इथिक्स का, मेटा इथिक्स में जितना भी रिसर्च अनुसंधान से संबंधित तत्व होते इसमें किया जाता है, जैसे न्याय क्या है, नीतिशास्त्र का क्या परिभाषा होगा, इस तरह के संबंधित मुद्दे सब यहाँ देखा जाता है, ठीक। दूसरे बारे में बात करें तो इसको नॉर्मेटिव इथिक्स बोलते हैं, जिसको निर्देशात्मक इथिक्स भी बोला जाता है। यहाँ पे सही और गलत किन आधारों पे ले रहे हैं, सही और गलत किन आधारों पे ले रहे हैं, इसको देखा जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल देके समझते हैं कि जैसे बेंथम का थ्योरी हो गया उपयोगितावाद, कि हम किसी चीज़ को इनटेक करते हैं और छोड़ते हैं, तो वहाँ पे आपके लिए वो उपयोगी था या नहीं था, उनके आधारों पे आप बोलते हैं वो तत्व सही है और गलत है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। तीसरे तत्व में आते हैं अप्लाइड इथिक्स का बात करते हैं। तो अप्लाइड इथिक्स में एक्चुअली में आप या सामाजिक चरित्र में इसका जो सही अवधारणा होता है, नैतिक चरित्र होता है, उसका जब एप्लीकेशन सामाजिक स्तर पे भावनाओं में जब होने लगता है, तो उसको बोलते हैं अप्लाइड इथिक्स। तो अब बात करते हैं नैतिकता के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं नैतिकता का उत्पत्ति कहाँ से हुआ। तो आइए, तो नैतिकता का एक मॉस वर्ड से हुआ, जो एक लैटिन वर्ड है, जिसका अर्थ होता है शिष्टाचार या परंपरा। अगर लेकिन मॉरलिटी के बारे में बात किया जाए, जो नैतिकता के बारे में बात किया जाए, तो यह एक व्यक्तिगत स्तर पे
जब हम सही और गलत के बारे में निर्णय लेते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, तब उसे हम बोलते हैं नैतिकता, यानी व्यक्ति के अंदर होता है नैतिकता। अभी जबकि कुछ देर पहले बात हम किए थे नीति शास्त्र, तो नीति शास्त्र समाज पे होता है, और जबकि हम नैतिकता के बारे में बात करें वो व्यक्ति के अंदर होता है। तो यहाँ पे हम एक फिगर से हम समझ सकते हैं एटीट्यूड। आने वाले अगले क्लासों में एटीट्यूड और वैल्यू के बारे में पढ़ाया जाएगा कि ये कितने प्रकार के होते हैं और वैल्यू और एटीट्यूड का क्या मतलब है। लेकिन सामान्य अर्थों में समझिए एटीट्यूड, किसी का एटीट्यूड, जनरल बिहेवियर, आप कैसे लगते हैं, कैसे दिखते हैं, सामान्य उसी को बोला जाता है। और वैल्यू एक तरह से समाज में सकारात्मक सिद्धांतों पर जो व्यक्ति विश्वास करते हैं, जिस पे हमारा समाज को विश्वास होता है, उसे ही वैल्यू कहते हैं या मूल्य कहते हैं। तो मूल्य का ट्रांसफर होके बनता है एथिक्स। एथिक्स में जो मापदंड के बारे में हम जब बात कर रहे थे कि तत्व के बारे में बात करते थे, शुरुआत में हम तत्व के बारे में बात कर रहे थे, यही वो वैल्यू है जो एथिक्स के तत्व बन के आते हैं, जिसे सही और गलत के मापन या मापदंड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ ये सामाजिक स्तर पर होता है, वहीं पर ये पर्सनल स्तर पर मॉरलिटी होता है या व्यक्तिगत स्तर पर, यानी व्यक्तिगत स्तर पर भी जो मूल्य होते हैं, जो वैल्यू होते हैं, वही तत्व प्रदान करते हैं आपको सही और गलत के जजमेंट के रूप में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपने आज के क्लास में समझा नीति शास्त्र क्या है, नैतिकता क्या है, और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इनको देखते हुए आपने फिगर को समझा। और अब नेक्स्ट सेशन में आपको ले चलेंगे इससे संबंधित एक क्वेश्चन, जिसका विस्तृत चर्चा किया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर 2016 में आए एक क्वेश्चन का, और उसका किस तरह से आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए कि आचार नीति समाज और मानव को किस प्रकार भला करती है। और ये आप क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन में देख सकते हैं, आप स्क्रीन में देख लीजिए, मैं नीचे देख रहा हूँ। तो आइए, तो आपने स्क्रीन में देख लिया होगा, यहाँ पे आचार नीति शब्द है, और अभी पढ़े हैं नीति शास्त्र, तो कभी कभी आचार नीति के तौर पे भी नीति शास्त्र को या एथिक्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाला बात है। अब इसके बाद देखते हैं कि सबसे पहले हम इसका इंट्रो करेंगे। इंट्रो क्या होगा, इसके तीन पक्ष को देखते हैं। तीन पक्ष में क्या है, पहला इंट्रो और जो क्वेश्चन का डिमांड है, वो डिमांड में क्या लिखना है डिमांड में, और तीसरा इसका कंक्लूजन में क्या लिखा जाएगा, कंक्लूजन क्या है। तो सबसे पहले अगर इंट्रो का बारे में बात किया जाए, तो हम इंट्रो चूंकि आचार नीति से संबंधित है, तो हम कुछ कॉमन टॉपिक रखेंगे कि आचार नीति कैसे एक मानव को प्रभावित करती है, तो वो कॉमन ही रखा जाना चाहिए। तो हम जैसे इसका इंट्रो, पहला का इंट्रो किया है, आचार नीति नैतिक सिद्धांतों की प्रणाली है जो मानव तथा समाज दोनों को क्या सही है और क्या गलत है इसका निर्धारण करने में मदद करता है। ये मैंने इंट्रो में लिखा है। तो इंट्रो में ये चीज़ बता रहा है कि इसका उपयोगिता को भी समझा दिया, और ये नीति शास्त्र क्या है इसको भी समझा दिया। तो एक इंट्रो जो उससे संदर्भित हो उसको ही इंट्रो लेना चाहिए कि क्या होगा। ऐसे इंट्रो लिखने के और भी कुछ तरीके होते हैं, लेकिन मैं अभी सामान्य तरीका लेकर चल रहा हूँ। धीरे धीरे बात करेंगे कि और विभिन्न तरीका कौन कौन से हो सकते हैं। उसके बाद हम दूसरे पक्ष में चलते हैं। दूसरे पक्ष में है कि मानव को और समाज को किस प्रकार भला करता है, मानव को और समाज को किस प्रकार भला करता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, तो यहां लिखते हैं नीति शास्त्र को मानव के भला करने के रूप में भूमिका, ये लिखेंगे। ये पहला का इंट्रो हो गया। इसका एक दूसरा पक्ष है जिसमें समाज के बारे में भी चर्चा करना है। तो ये पहला पक्ष में देख सकते हैं, पहला पक्ष में रखते हैं शांति के रूप में। अगर हम बात करें शांति के रूप में, तो अक्सर हम देखते, जब भी हम लिखेंगे कि क्या लिखते हैं, तो इसके साथ एक एग्जांपल देना बहुत जरूरी है। नीति शास्त्र में हम ये गौर करने वाली बात है
कि अगर आप जब तक एक एग्जाम्पल नहीं देते सामान्य जिंदगी या रोजमर्रा के जिंदगी से, तब तक इसका पूरा आंसर नहीं होता। तो हम शांति के रूप में देख सकते हैं कब, तो अगर हम आप कोई दफ्तर जा रहे हैं और उस बीच में देखते हैं रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है और आपका दफ्तर जाना जरूरी है, और लेकिन ये भी देख रहे हैं कि अगर उस व्यक्ति को समय पर अस्पताल नहीं ले जाया गया तो वो मर सकता है, जिस कारण आप एक सही और गलत का निर्णय लेते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आप अपने मन से लेते हैं कि नैतिकता के स्तर पर देखते हैं कि हमको उस व्यक्ति का मदद करना चाहिए, तो जब हम आप उस व्यक्ति का मदद करते हैं तो हमको शांति मिलता है, तो शांति के रूप में आप देख सकते हैं। और दूसरा, इसका अगर दूसरा बात किया जाए तो खुशी के रूप में आप जब कुछ ऐसा काम करते हैं जो समाज से भलाई के लिए हो और आपका मन लगता है कि आपका मन कुछ अच्छा कर रहा है, कुछ अच्छा किया, तो आप आंतरिक मन से खुश होते हैं, यानी एक हैप्पीनेस के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी खुशी प्राप्ति की तौर पे। और अगर इसको अगर देखें तो नीति शास्त्र का इस्तेमाल व्यक्तिगत स्तर पे एक जागरूकता के तौर पे किया जा सकता है, क्या सही हो रहा है या क्या गलत हो रहा है। ये तीन एग्जाम्पलों के बाद हम चलते हैं सामाजिक तौर पे क्या क्या इसका भूमिका मिल सकता है भला करने में। तो एक दूसरा पार्ट चलते हैं, ये फर्स्ट पार्ट हो गया जहाँ पे आप लिख सकते थे, इसके अलावा भी लिख सकते थे, लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन 150 वर्ड का ही है तो हम उससे ज़्यादा वर्ड जाने का कोशिश नहीं करेंगे। आपको ये ध्यान देना है, सबसे जो जरूरी बात है इथिक्स का आंसर राइटिंग करते टाइम, कि आप कुछ भी लिखते हैं उसका एग्जाम्पल देना ना भूलें, क्योंकि एग्जाम्पल से आपके मत का समर्थन मिलता है और इससे यह समझ में आता है जो आपका कॉपी चेक करते रहेगा कि इसको एक अप्लाइड एरिया पे आपको समझ है इसका, और जब अप्लाइड एरिया पे समझ अगर नीति शास्त्र का है तो नीति शास्त्र को लाने का यही मतलब है कि आपको अपने स्तर पर समझ होना चाहिए। ठीक है, दूसरे का बात करते हैं सामाजिक स्तर पर, यहाँ पे सामाजिक स्तर पे भूमिका का बात करें तो सबसे पहला देखेंगे, अगर यहां देखते हैं सामाजिक न्याय का स्थापना, हाल के दिनों में शरणार्थियों की संख्या, जैसे बांग्लादेश भारत के संदर्भ में देखें बांग्लादेश या फिर म्यांमार वाला समस्या को देखते हैं, तो जो कहीं ना कहीं आके पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट जोन में आके बसते हैं, तो उन लोगों को आश्रय प्रदान करना और वहाँ के लोगों के द्वारा समर्थन दिया जाना कि उनको रहने का जगह मिल सके और उनको बुनियादी सुविधाएं मिल सके, ये समाज में इथिक के द्वारा ही आता है। तो दूसरा पॉइंट के बारे में बात करें सही सूढ़ता। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत में सर्वधर्म संभव का भावना चलता है, तो ये सर्वधर्म संभव का भावना आखिर आया कहाँ से, तो यहाँ पे नीति शास्त्र के जो आवश्यक तत्व हैं उनके द्वारा ही लोग बोलते हैं कि सभी धर्मों का समान रूप से व्यवहार और समान रूप से मान्यता देना चाहिए और किसी को वरीयता और किसी को कम नहीं आकना चाहिए, यानी सहिष्णुता का माहौल इससे देखा जा सकता है। अगर तीसरे पक्ष के बारे में बात किया जाए तो सामाजिक स्थिरता। अभी सामाजिक स्थिरता कहने से क्या तात्पर्य है? हम समाज में रहते हैं तो हमारे समाज में कुछ दायित्व होते हैं, जैसे अगर कोई आपराधिक प्रवृत्ति वाले कोई कार्य हो रहे हैं तो उसका सूचना हम कानून व्यवस्था तक जाके तुरंत दे सकते हैं, जिससे कोई आपराधिक गतिविधियां ना हो सके, जिससे आप हो सकता है सामाजिक स्थिरता प्रदान करते हैं, यानी कुछ जो हो सकता था उसको आप रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। चौथे पार्ट के बारे में बात किया जाए तो विपरीत अवस्था में भी आप
सरकार का समर्थन करते हैं, यानी विपरीत अवस्था में सरकार का समर्थन। जैसे आपातकालीन स्थिति में जो रोजमर्रा के जिंदगी के आवश्यक तत्वों की कमी हो जाती है, उस संदर्भ में भी लोगों द्वारा सरकार को समर्थन दिया जाना कि देश का पहले स्थिति सही हो जाए, उसके बाद लोगों को देखा जाए, ये भी नैतिक तत्वों के कारण ही लोग कर पाते हैं। इस प्रकार देख सकते हैं कि और भी अगर अन्य तत्वों के बारे में बात करें तो सार्वजनिक हित हो गया, लोकहित हो गया, और भी बहुत संबंधित मुद्दे हो सकते हैं लोगों जिसका 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 उपयोग सामाजिक स्तर पर लोग नैतिक तत्वों के आधार पर कर पाते हैं। इसका ये तीसरा पक्ष में अगर चलते, पहला पक्ष हो गया इंटो, दूसरा पक्ष हो गया जो डिमांड, जो क्वेश्चन मांगा था, और तीसरा पक्ष निष्कर्षण के बारे में बात करते। निष्कर्षण कई रूपों में लिखा जा सकता है। पहला रूप लिखा जा सकता है कि संभावना होलिस्टिक अप्रोच हो सकता है, या फिर उसमें फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हो सकता है, या इसके अन्य तरीकों से लिखा जा सकता है। मैं जो लिख रहा हूँ वो सार के आधार पर लिख रहा हूँ कि ये आखिर जो इतना लिखे उसी का एक तरह से सार निकाल देंगे और फाइनल हम निष्कर्षण कर देंगे जो मैंने लिखा है। इस प्रकार नीति शास्त्र अपने मापदंडों के माध्यम से समाज तथा मानव के विकास और स्थायित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन और क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और ये जो क्वेश्चन का आंसर राइट किए हैं आप डिस्क्रिप्टिव लिंक में आपको इसका मॉडल आंसर मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा कि किस तरह से स्टार्टिंग पॉइंट में आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।